ईरान को मिटाने पर तुला इसराइल, सब कुछ तबाह कर देने की मची होड़। भीषण हमले में भारी तबाही और नुकसान, अब यह है इसराइल का अगला प्लान। देखिए ईरान इसराइल युद्ध पर सबसे बड़ी अपडेट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कृपा शंकर शर्मा। और ईरान इसराइल युद्ध लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसराइल ने ईरान के साथ साथ सीरिया में भी कई ठिकानों पर बमबारी की है। इस हमले में सीरिया के कुछ सैन्य ठिकानों को ध्वस्त होने की खबरें भी सामने आई हैं। सीरिया की समाचार एजेंसी के मुताबिक सुबह सुबह इसराइल ने सीरिया के मध्य और दक्षिणी भागों में कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। लगातार हमले किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सीरिया की राजधानी दमिश्क के आसपास सैन्य ठिकानों पर इसराइल के कब्जे वाले गोलन हाइट्स की तरफ से मिसाइलें दागी गई हैं। यह भी बता दें कि इनमें से कुछ को सीरिया की वायुसेना रोकने में कामयाब भी रही। इसराइल के इस हमले के बाद फिलहाल सीरिया या उत्तरी इलाके, यहाँ पर उत्तरी इराक की हम बात करें, वहाँ पर ऊपर कोई फ्लाइट नहीं उड़ रही। हमले के बाद ईरान ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। बता दें कि इसराइल कई सालों से सीरिया में ईरान से जुड़े ठिकानों पर हमले करता आया है, लेकिन इसराइल पर 7 अक्टूबर को हुए हमास के अटैक के बाद इन हमलों में तेजी आ गई। वहीं ईरान ने इसराइल पर बड़ा मिसाइल अटैक किया था, अब इसराइल ने इसका जवाब दिया है। दरअसल इसराइल ने शनिवार तड़के ईरान के सैन्य ठिकानों समेत राजधानी तेहरान और पास के शहरों में जबरदस्त बमबारी की है। इसराइल की सेना की तरफ से इस मसले की पुष्टि भी हो चुकी है। IDF ने बयान जारी कर ये बताया है कि ईरान की तरफ से महीनों तक लगातार किए गए हमलों के जवाब में ये एक्शन लिया गया है। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में ईरान ने आधी रात को इसराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग दी थी। ईरान ने दावा किया था कि उन्होंने इसराइल पर 180 मिसाइलें दागी हैं। ईरान का ये हमला काफी स्ट्रेटेजिक था, बिल्कुल नपातुला था। ईरान ने तेल अवीव में इसराइल के 3 मिलिट्री बेस और खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी। इसराइल के मिलिट्री बेस पर खतरनाक मिसाइलें दागी गई थी और इसराइल अब इसका बदला ले रहा है। आपको बता दें कि इस पूरे युद्ध में इसराइल, हमास, ईरान, लेबनान, तमाम जो जगह हैं, जो देश हैं, जो स्थितियां वहां पर अब बनी, इन दो देशों की लड़ाई में लगातार बर्बादी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। अब तक हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये जो वार है, ये जो लड़ाई है, वो ख़त्म हो और जो बड़े देश हैं, जो विकसित देश हैं, वो आगे आए और इस युद्ध को ख़त्म करने की पूरी कोशिश में जुटे, तब जाकर शांति हो पाएगी। ऐसी ही ताज़ा अपडेट, बड़ी खबरों के लिए बने रहिए पत्रिका के साथ। मैं हूँ आपके साथ कृपा शंकर। नमस्कार।